महबूब तरीन इबादत वो है जो उसको पहचान के की जाए, जो उसका इरफान हासिल करके की जाए, उसकी कारीगरी की असल में तारीफ दिल से तारीफ करते हुए की जाए। ये नहीं कि जी चीज अल्लाह पाक ने बनाई है, रंग कबूतरों को अल्लाह पाक ने दिए हैं, आंखों के पर पुर्जे की डिटेल अल्लाह पाक ने कबूतर में बनाई है, इन्होंने अपने लेबल ऊपर से चिपकाने शुरू कर दिए कि जी फलाने मियाँ की ब्रीड, फलाने मिस्त्री की ब्रीड, फलाने टैडी की ब्रीड, फलाने कमगर की ब्रीड, फिर वही नहीं फलाने चौधरी की ब्रीड, फलाने मेहर की ब्रीड, फलाने इसकी ब्रीड, फलाने उसकी ब्रीड। मतलब झूठ की कोई लिमिट ही नहीं इन्होंने छोड़ी। फिर कबूतर को कबूतर भी नहीं रहने देते, नाउज बिल्ला कबूतर को रैट कह रहे होते हैं, माउस कह रहे होते हैं। क्या कबूतर को चूहा कहने से वो चूहा बन जाएगा? असल में तो वो लोग चूहे हैं जिनको कबूतर चूहा नजर आता है, कि वो इस कदर झूठ पर बजिद हैं कि वो उनकी आंखों के सामने एक परिंदा है उसे वो रैट कह रहे होते हैं कि ये चूहा है। फिर क्लियरली नजर आ रहा है कि बटेर एक डिफरेंट परिंदा है, कबूतर एक डिफरेंट परिंदा है। महज कलर मार्किंग मैच हो गई तो उसे कह दिया कि जी कोई तो वजह होगी कि जी कबूतर को बटेरा कहा गया होगा। फिर इस तरह मिलते जुलते कलर आपको किसी मुर्गी में नजर आ जाएगा कबूतर से मिलता जुलता, तो आप कबूतर को मुर्गा कहने शुरू हो जाएंगे कि ये कुक्कड़ है। फिर मुर्गा तो हट गए, कबूतर की तरह का कलर आपको किसी घोड़े में नजर आ जाए तो आप कबूतर को घोड़ा भी शुरू कर देंगे कि ये कबूतर घोड़ा ब्रीड है, कोई तो वजह होगी जो इसका नाम घोड़ा रखा गया। खुदा का खौफ करें, ये सारे रंग रूप अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, और अल्लाह पाक ने हरगिज नहीं कहा कि